पर चाइना को एक काफी बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि इनकी पहले जो चाइना के भीतर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, तो उन्होंने तो पूरी की पूरी यूनिट ही इंडिया के भीतर नोएडा में अब सेटअप कर ली है। वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है, तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल। तो फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? नहीं, ये देखो, वो चाइनीज जो है ना, मतलब दूसरे कोई ऐसा दूसरा मैदान होगा जहाँ पे वो रिटेलिएट कर सकते हैं, जहाँ पे वो जवाब दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एप्पल के खुद की प्लानिंग है। चाइना जानता है चीज को, उसका रीजन है। पहले सैमसंग पूरा 100% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में पूरा का पूरा एक्सपोर्ट उन्होंने भारत में, भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। भारत से ये एक्सपोर्ट होता है, पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाइए आपको मेड इन इंडिया सैमसंग मोबाइल मिलेंगे। और चाइना में मेड इन चाइना का कोई भी सैमसंग मोबाइल पूरे दुनिया में आज की डेट में नहीं है, क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बेस बंद कर दिया है। ये हमारा दुश्मन नहीं है, जिन्होंने भी हमसाय मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाय मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं, ठीक है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना, ठीक है। इन्होंने अपने मुफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया है। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि चाइना हैज टू प्रिपेयर फॉर अ वॉर, तो जब वॉर की बात आई तो उन्होंने बोला साहब किससे लड़ना है, उनका बाहर नहीं लड़ना है, अंदर लड़ना है, फेयरिंग अ सिविल वॉर, क्योंकि लोग अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से तंग आ गए, लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, लोगों ने हाउस के मॉर्गेज देना बंद कर दिया, काफी चीजें कर दी। यानी कि सैमसंग इज वर्किंग ऑन चाइना प्लस, कोई है ही नहीं, क्योंकि चाइना जीरो पॉलिसी है, इट इज नॉट इन चाइना एनीमोर। वही एप्पल भी करना चाहता है कि आगे जाकर ये होगा, इंडिया प्लस वन पॉलिसी आएगी, चाइना प्लस वन पॉलिसी नहीं आएगी। मुफाद की तो चाइना ने किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं की आज तक, तो पाकिस्तान ने ये कैसे समझ लिया उनकी दोस्ती की आड़ में आके कि वो जो है वहां पे बुद्धिस्ट है सारे। जो मिलेनियम की मीटिंग है उसके अंदर, यानी कि चाइना के पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है और दुनिया देखती है इन चीजों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दुनिया का सुपर पावर बनने का सपने देखने वाला चीन, उसकी हालत हर साल खराब होती जा रही है। दुनिया भर में कोविड फैलाने के बाद आज वो खुद बर्बाद होता जा रहा है। कोविड के बाद तमाम कंपनियां जो चाइना में 100% मैन्युफैक्चरिंग करती थी, वो अपनी कंपनी को चाइना से शिफ्ट करके भारत या किसी और एशिया देश में जा रही थी। उसी में से एक दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी जो 2019 तक दुनिया भर में चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती थी, उसने आज 2024 में मैन्युफैक्चरिंग चाइना में जीरो कर दी। आज पूरी दुनिया से मेड इन चाइना का सफाया कर दिया। इतना ही नहीं, चाइना से अपने आप को पुल आउट करके सैमसंग ने अपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट कर दी है। आज जो दुनिया भर में सैमसंग फोन जा रहे हैं वो भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो भी 100%। मतलब अब दुनिया भर में मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया के नाम से बिक रहा है। अब सैमसंग को देखते हुए अब बड़ी बड़ी कंपनियां अब चाइना को छोड़कर भारत में शिफ्ट हो रही हैं। एप्पल ने 15% मैन्युफैक्चरिंग भारत में ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है और एप्पल ने प्लान बनाया है कि अगले 2-3 साल में एप्पल फोन 50% मैन्युफैक्चरिंग भारत से होंगे। धीरे धीरे चीन से भारत आती कंपनियां को देख चीन की कमर टूटती जा रही है। एक के बाद एक चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही हैं। हाल ही में चीन में हुए मीटिंग जो कि 100 ईयर में 1 से 2 ही बार हुआ है, वो भी फेल होती दिख रही है। चीनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा है कि अपने डूबते हुए चीन को कैसे बचाए। ये जैन साहब, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन ने ट्रांसफर की और एप्पल ने ट्रांसफर की, क्या ये चाइना को एक जोल्ट दे रहा है? और दूसरी चीज, क्या चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया आ सकता है? रोहित भाई, पहली बात ये है कि भारत ने लास्ट ईयर मोर देन $1 बिलियन का एप्पल के फोन महीने भर में, एवरी मंथ हमने एक्सपोर्ट करे हैं, यानी कि 14-15 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन्स हमने एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, जो कि अबाउट 15% है पूरे एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग का। अब ये जो $15 बिलियन है, आफ्टर ऑल हमने एक ही आदमी है या एक ही कंट्री है जिसका शेयर खाया है, वो है चाइना का। और अगले 2-3 साल में एप्पल की पूरी प्लानिंग है कि वो अबाउट 50% अपनी जो एक्सपोर्ट्स है वो भारत से करेगा। अगर हम एग्जांपल लें कि उनका $100 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, तो अबाउट 40-50 बिलियन हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये एप्पल के खुद की प्लानिंग है। चाइना जानता है चीज को, उसका रीजन है। पहले सैमसंग पूरा 100% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में पूरा का पूरा एक्सपोर्ट उन्होंने भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। भारत से ये एक्सपोर्ट होता है, पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाइए आपको मेड इन इंडिया सैमसंग मोबाइल मिलेंगे। और चाइना में मेड इन चाइना का कोई भी सैमसंग मोबाइल पूरे दुनिया में आज की डेट में
नहीं है क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बेस बंद कर दिया है। यानी कि सैमसंग इज वर्किंग ऑन चाइना प्लस, कोई है ही नहीं, चाइना जीरो पॉलिसी है, इट इज नॉट इन चाइना एनीमोर। वही एप्पल भी करना चाहता है कि आगे जाकर ये होगा, इंडिया प्लस वन पॉलिसी आएगी, चाइना प्लस वन पॉलिसी नहीं आएगी। तो मैंने आपको आंसर दे दिया कि दुनिया अब चाइना से बाहर निकलती जा रही है, यहां पर अनसर्टेनिटीज बढ़ती जा रही हैं, इंडस्ट्री का समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी। अभी अभी जो है 100 सालों में तो दूसरी या तीसरी बार इन्होंने मीटिंग करी है 3 दिन की, वहां पे था कि कुछ इंसेंटिव्स देंगे इंडस्ट्री को। वहां पर शी जिनपिंग ने, मुझे लगता है राजीव गांधी की पुरानी जो स्टेटमेंट थी उन्हें पढ़ के उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखते ही रहेंगे। ये वाली स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि हमें मालूम है कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, हम देख रहे थे, हम देख भी रहे हैं कि अभी भी प्रॉब्लम है और हम देखेंगे कि इसको ठीक कैसे करना है। यानी कि पूरा का पूरा सेंटिमेंट डाउन हो गया इंडस्ट्री का आफ्टर दिस प्लानिंग मीटिंग, वही मीटिंग जिसमें लोग बोल रहे थे कि उनको हार्ट अटैक हो गया है शी जिनपिंग को, कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी चंगे पले हैं। अभी वो आज ही बाहर निकल के एक मीटिंग भी करी है उन्होंने। सो वो जो प्लानियम की मीटिंग है उसके अंदर यानी कि चाइना के पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है और दुनिया देखती है इन चीजों को। रोहित भाई, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है वो छोटी छोटी चीजों को वो देखते हैं, उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं, और जैसे ही उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया है, दैट मीन्स अब इनके पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं है, उनको भारत में आना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर कंट्री दे कैन गो टू। ये जो शी जिनपिंग है इसके पास अंदर विरोध तो बहुत है सर, अंदर विरोध बहुत है, बहुत है, लॉट ऑफ पीपल हु डोंट लाइक हिम और देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट हिम टू गो। देखिए कभी भी कम्युनिज्म में अगर आप बोलते हो कि टिल लाइफ मैं प्रेसिडेंट हूं, आपके नीचे के लोग आपसे नाराज होंगे, आपको चाहेंगे ये जाए, और ये जो ये बीच बीच में डिसअपियर होता है तो इसपे कहीं ना कहीं आघात होता, कहीं ना कहीं अटैक होता, पोलिटिकल अटैक, और ये उसको ही काइंड ऑफ डक्स, ही लेट्स द टाइड पास और फिर ये फिर इमर्ज होता है। शी जिनपिंग ने अपने मिलिट्री जो इनका सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में जो इनको रिपोर्ट करते हैं, जिस क्लोज क्वार्टरली व्हिच रिपोर्ट्स टू द हिम, उसको इन्होंने बिल्कुल क्लियर एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि चाइना हैज टू प्रिपेयर फॉर अ वॉर। तो जब वॉर की बात आई तो उन्होंने बोला साहब किससे लड़ना है, बोलता बाहर नहीं लड़ना है, अंदर लड़ना है। सो ही इज फेयरिंग अ गृह युद्ध, ही इज फेयरिंग अ Grey you this what you call it in English is a civil war. Correct. He is fearing a civil war. क्योंकि लोग अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से तंग आ गए, लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, लोगों ने हाउस के मॉर्टगेज देना बंद कर दिया, काफी चीजें करनी, तो उसने कहा भाई सिविल वॉर हमें के लिए प्रिपेयर होना। और हमने पहले कहा था कि आजकल चाइना की पुलिस को प्रशासन को लोगों से पैसा वसूल करने के लिए किया जा रहा है। अब सिविल वॉर जब होगा, सिविल वॉर में जीतने के लिए उसको एक चीज जरूर पता है कि द मिलिट्री हैज टू बी ऑन हिज साइड, कंप्लीट मिलिट्री हैज टू बी ऑन हिज साइड, नहीं तो सिविल वॉर जीती नहीं जाएगी। हकीकत ये है, नंबर ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा जनरलों को ये ठिकाने लगा चुका है अब तक, मोर देन 100 जनरल, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल लेवल के लोग हैं और नीचे कर्नल और ये सब कितने हैं उनका तो नोबडी नोज द नंबर। इसके लॉयलिस्ट को इसने मल्टीपल बार प्रमोट किया और इसी के लॉयलिस्ट को इसने एलिमिनेट भी किया है। और चाइना का जो डिफेंस मिनिस्टर है अभी बना है, ये पोस्ट भी काफी महीनों से खाली थी। अब इतनी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी में सर कोई डिफेंस मिनिस्टर बनने लायक नहीं है। अब बनाया किसको? बनाया है एक नेवी वाले बंदे को, यूजुअली रॉकेट फोर्स से आता था या आर्मी से आता था। अब की बार लोग सोच रहे हैं नेवी वाले को क्यों बनाया, ये एडमिरल था नेवी में, अब इनके नाम मुझे याद नहीं रहे, किंग कॉन्ग फी हॉन्ग शिंग टोंग टिंग, अब नाम भी इनके ऐसे होते हैं ना कितने में याद रखू। बनाया सर, इसका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है साउथ चाइना सी में, और शी को लगता है अगला कॉन्फ्लिक्ट होगा साउथ चाइना सी में। तो जो साउथ चाइना जो वेटरन है वो इज अ नेवी वेटरन एंड ही हैज वेरी एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस ऑफ साउथ चाइना सी, उसको बनाया गया है अब डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि उसे पता अगला कॉन्फ्लिक्ट यूएस से होगा, भारत से होगा, जहां भी होगा साउथ चाइना सी एक दिन फ्लैश पॉइंट बनेगा और इसको ताइवान को फिर से मिलाना पड़ेगा।